आइए दोस्तों आज बात कर लेते हैं सियाप चतुर के सफर के बारे में। क्या आखिरकार सियाप भाई ने सफर किया है या नहीं किया है, और अगर किया भी है तो कितना ज्यादा सफर तय किया है। प्यारे प्यारे दोस्तों साथियों, हमारे रजावल यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। आज हम करेंगे सियाप भाई के ताल्लुक से बात। सियाप भाई ने आफिया किड्स स्कूल से निकल कर के लोगों से मुलाकात की है और काफ़ी तादाद में टहले हैं, यानी कि सफ़र तो तय नहीं किया है लेकिन टहले हैं। वहां टहल करके लोगों से मुलाकात की है, कुछ वहां आसपास इलाकों का जायज़ा लिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कोई काम करते हैं तो वो काम हमें कंटिन्यू करते रहना होता है, लेकिन अगर हम उस काम को छोड़ देते हैं तो हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला सियाप भाई के साथ है कि सियाप भाई ने तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का सफ़र तय किया और फिर अचानक 1 महीने से इस सफ़र को उन्होंने रोक दिया। तो जाहिर सी बात है ऐसे में परेशानी तो होना ही है, क्योंकि काफ़ी तादाद में सियाप भाई ने सफ़र तय किया था। अब उन्होंने ये 1 महीने से सफ़र रोक दिया। अब ऐसे में अगर वो सफ़र करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले जैसी बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब सफ़र 20-25 किलोमीटर से शुरू करके 40-50 किलोमीटर तक किया जा रहा था तो वो सफ़र हैबिट में था। इसलिए सियाप भाई ने अब इस सफ़र को जो है कंटिन्यू किया और वहाँ आसपास इलाके में घूमे और लोगों से मुलाकात की, लोगों के जायज़े लिए और कुछ चहलकदमी भी इसी वजह से हो गई, क्योंकि सफ़र तय करते करते हैबिट में आ गया था, फिर अचानक सफ़र को रोक दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी सियाप भाई का सफ़र जो है शुरू नहीं हुआ है, सफ़र वहीं पर रुका हुआ है। लेकिन इसके अलावा सियाप भाई ने लोगों से मुलाकात की है, लोगों के यहाँ गए, लोगों से जायज़े लिए और कुछ जिसे हम अपनी लैंग्वेज भाषा में कहते हैं कि पैर फरेरे किए। तो दोस्तों साथियों, आप लोग सियाप भाई के ताल्लुक से जो है तमाम तरह की अपडेट जानते रहें तो हमारे चैनल पर बने रहें, और सियाप भाई के लिए दुआ ज़रूर करें कि मौला ताला सियाप भाई की तमाम तरह की परेशानियों को दूर फरमा दे। और सियाप भाई की तमाम तरह की अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहें, जहाँ पर हम सियाप के ताल्लुक से तमाम तरह की अपडेट आप लोगों तक पहुँचाएँगे। आप तमामी लोग दुआ कीजिए कि सियाप चतुर का जो लेटर है वो जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट तैयार कर दे, जिससे कि वो अपना सफ़र शुरू कर सकें और ये सफ़र जो है आगे बढ़ सके, क्योंकि सफ़र काफ़ी दिन से रुका हुआ है तो लोगों तक किसी तरह की अपडेट नहीं पहुंच रही है। एक अपडेट ज़रूर पहुंच रही है कि अभी और कुछ लोगों ने हज का सफ़र शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि और कुछ लोग भी हज के सफ़र पर निकल चुके हैं जो कि हज का सफ़र तय कर रहे हैं। तो उन लोगों की खैर अपडेट की हम बाद में बात करेंगे, बात आ गई तो आपको हमने बताया। लेकिन सियाप चतुर की अगर बात की जाए तो सियाप चतुर का सफ़र अभी रुका हुआ है। आप लोग कमेंट कीजिए इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट भी कीजिए, जिससे कि सियाप चतुर को जल्द से जल्द लेटर मिल सके और वो अपना ये सफ़र जो है बहुत जल्द जो है शुरू कर सके। प्यारे दोस्तों साथियों, कहते हैं ना कि किस शख्स की दुआ कब कबूल हो जाए ये कोई नहीं जानता, तो आप लोगों को चाहिए कि सियाप भाई के लिए दुआ करें और मौला ताला ना जाने किस शख्स की दुआ को कब कबूल फरमा ले। और सियाप भाई का ये सफ़र हम बताएंगे ना आपको, जब आगे चलेगा ना तो ये सफ़र और भी ज़्यादा शानदार होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सियाप का सफ़र हम आगे देखें, सियाप को चलते हुए, सियाप से लोगों से मुलाकात करते हुए, सियाप को आगे पहुँचते हुए, तो इसके लिए आप तमाम लोग दुआ करें कि सियाप का ये सफ़र आगे देखा जाए कि किस तरह से सियाप का ये सफ़र तय किया जाएगा, किस तरह से वो और मुल्कों में जाएंगे, किस तरह से पाकिस्तान में लोग उनका खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे, पाकिस्तान के अलावा फिर दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह से लोग सियाप का जो है वेलकम करेंगे। ये तमामी नज़ारे जो है हर कोई देखना चाहता है, इसीलिए लोग सियाप को फॉलो करते हैं, सियाप के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, सियाप के बारे में तमामी तरह की खबरें लोग जानना चाहते हैं। तो आप लोग भी दुआ करें अगर ये सफ़र शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इस सफ़र में और बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे और ये सफ़र यकीनन लोगों को बहुत ज़्यादा सबक देगा, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान से एक पहला बंदा ऐसा है जो कि हज के इस मुबारक सफ़र पर जा रहा है। तो आप लोग दुआ करें और हमारे चैनल पर बने रहें।